हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के। और आज का क्वेश्चन है इंसर्ट इंटरवल। तो ये क्वेश्चन क्या करता है, कैसे करना है, वो सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और उससे पहले अगर इस कोड के बारे में कोई भी डिटेल जाननी हो तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर इसी वीडियो की सेम इंग्लिश में देखना है इस वीडियो को सेम, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप जाके वहां पर देख सकते हो इंग्लिश में इसी वीडियो का वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक फंक्शन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है फंक्शन में, ताकि ये समझ में आए कि एक्चुअली काम किसके साथ किया जा रहा है, एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें एक इंटरवल करके दे रखा है और यहाँ न्यू इंटरवल करके एक दे रखा है, ठीक है। वेरिएबल एंड आउटपुट कुछ दे रखा है वेक्टर ऑफ अ वेक्टर का। अब वेक्टर ऑफ अ वेक्टर होता क्या है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये वेक्टर है एक, ये दूसरा वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर एक बड़े वेक्टर के अंदर है। तो वेक्टर जो बाहर वाला है उसे ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर जो वेक्टर है उसको ऐसे लिखेंगे। अब उस वेक्टर के अंदर क्या है, उस वेक्टर के अंदर इंटीजर है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, इंटीजर को बंद करेंगे, अंदर वाले वेक्टर को बंद करेंगे और इसको नाम दे देंगे इंटरवल्स। तो वही सेम चीज यहां लिखिए हमें, ठीक। अब न्यू इंटरवल देखो, आप वेक्टर के अंदर सिर्फ इंटीजर है, तो ये क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर इंटीजर, इंटीजर को बंद किया और उसको नाम दे दिया ये न्यू इंटरवल का। तो वो चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो बढ़िया है। फिर ये दो चीज़ों के साथ काम करना है। अब हमें करना क्या है, हमें आउटपुट में वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, मतलब हमें वेक्टर के अंदर वेक्टर को वापस करना है। और उसमें होना क्या चाहिए, अब देखो यहाँ 1 और 3 दे रखा है, 6 और 9 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ न्यू इंटरवल दे रखा है। तो करना क्या है हम लोगों को, ये इस इंटरवल को इसके अंदर मिलाना है, मर्ज करना है, इंसर्ट करना है। अब हम कर कैसे सकते हैं, हम चेक करेंगे कि भाई ये वाला छोटा है क्या इससे, तो नहीं है छोटा, तो इसके साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर चेक करेंगे क्या ये 3 छोटा है इससे, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये 1 और 3 के बीच में आ सकता है, तो ये हो गया, ठीक है। और अब इसको भी इंसर्ट करना है, तो इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि ये वाले जो वैल्यू है 3 और 1 में से, क्या उससे बड़ा है ये, अगर बड़ा है तो उसको उसके आगे डाल देंगे, तो जो हमारा जो वेक्टर बन जाएगा 1 2 3 4 5 का बन जाएगा। और इसको ऐसे लिख देंगे अपन एक वेक्टर में, और 6 और 9 के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो कहीं ओवरलैपिंग हो नहीं रहा है, इंसर्शन हो नहीं रहा। ये दो वेक्टर हमारे पास आ गए, इसको एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर देंगे और इसका कोई नाम दे देते हैं रेस, और ये आउटपुट में हम वापस कर देंगे। और वही हमें यहाँ करना है 1 5 से लेके 6 9 तक, ठीक है। अब इसमें अगर देखा होगा तुमने तो दो केसेस बन रहे हैं, एक केस बन रहा है ओवरलैपिंग का, एक बन रहा है कोई ओवरलैपिंग वाला नहीं। तो ओवरलैपिंग वाला केस क्या है, जैसे 1 और 3 के बीच में आ रहा है 2 और 5, तो हमने किया गया था कि हमने चेक किया था भाई ये इससे बड़ा है, या ये वाला अगर वैल्यू इस वाले वैल्यू से बड़ा है, ये चेक किया है, और फिर ये भी चेक किया है कि ये वाला वैल्यू क्या इससे छोटा है, ठीक है। अगर ये वाला वैल्यू इससे छोटा है तो जो स्टोर होगा, अगर ये वाला वैल्यू इससे छोटा है तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर होगा, लेकिन हमारे केस में ऐसा है नहीं, हमारे केस में ये वाला वैल्यू इससे छोटा है, तो हमने यहाँ एक स्टोर कर लिया। फिर हम चेक करेंगे क्या ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है या इससे बड़ा। तो अगर हमें पता चला कि ये वाला वैल्यू जो है वो इससे छोटा है, तो हम इसको रहने देंगे, इसको ऐसे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम हमें ढूंढना और ये मैक्सिमम ढूंढना है हमें, ठीक है। तो अब इस केस में करेंगे क्या, तो पहले तो नो ओवरलैपिंग का देख लेते हैं। नो ओवरलैपिंग में कोई कुछ तो हमें करना नहीं है, बस हमें चेक करना है कि है कि नहीं वहां पर, एंड देन वी कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो पहले तो हम यहाँ साइज का मसला सॉल्व कर लेते हैं। इंट एन इंटरवल्स डॉट साइज, ये हमें साइज दे देगा वेक्टर के, क्योंकि हमें ट्रेवर्स करना है। हम एक आई बना लेंगे जो ट्रेवर्स करने के काम आएगा, और हम एक वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर बना लेते हैं जो हमें आउटपुट में देना है इंट टाइप का, और उसे हम नाम दे देते हैं रेस, ठीक है।
पीछे सॉन्ग हो रहा होगा, इग्नोर करना, मेरे बगल में एक कैफे है वो चला देता है कभी कभी सॉन्ग। सो अब पहली कंडीशन के लिए, वाइल आई इज लेस देन एन एंड एंड, अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा जो तुम इंटरवल में ट्रेवर्स करो और उसका लास्ट जो वैल्यू है, मतलब दिस वन वाली वैल्यू, क्या वो लेस देन है न्यू इंटरवल से, न्यू इंटरवल के, जीरोथ वैल्यू से, क्योंकि हम पहली वाली वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। तो अगर वो स्मॉलर है देन इन दैट केस हम बस पुश कर देंगे रेस्ट के अंदर, रेस्ट डॉट पुश बैक, रेस्ट डॉट पुश बैक, और हम क्या पुश बैक करेंगे, हम पुश बैक करेंगे इंटरवल आई, इंटरवल आई को पुश बैक कर देंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस। तो ये हो गया, कोई ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि हम पहले ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि अगर ये आई फर्स्ट वैल्यू जो है अगर वो छोटी है इससे, इससे छोटी है, तो इसका मतलब अगर जो हमारी जस्ट अ सेकेंड, अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है राइट, या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेवर्सल ही नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी ही वैल्यू इससे छोटी है तो वो उसके बाद ही आएगा, तो ओवरलैपिंग का। अब ओवरलैपिंग वाला कर लेते हैं, व्हाइल व्हाइल आई एन एंड इंटरवल न्यू इंटरवल की, क्योंकि हम लोग न्यू इंटरवल के साथ डील कर रहे हैं, न्यू इंटरवल की जो लास्ट वैल्यू है, इंटरवल की जो लास्ट वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरवल्स। एक तो ये मेरे को बगल में जो गाना बज रहा है उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि वीडियो डाला और कॉपीराइट आ जाएगा। इंटरवल्स इंटरवल्स की जो आई जीरो वैल्यू से क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ऐसा है, अगर ये केस है, इसको पहले सिंटैक्स ही करें, तो न्यू इंटरवल की जो लास्ट वैल्यू है क्या वो फर्स्ट वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर है, दैट मीन्स वहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, दैट मीन्स हमें मैक्स और मिन निकालना है। तो हम कहेंगे न्यू इंटरवल की जो जीरोथ वैल्यू होगी वो जो होगी वो कंपेयर करेगी इंटरवल की वैल्यू से, इंटरवल की वैल्यू से, तो इंटरवल्स की जीरोथ वैल्यू से और न्यू इंटरवल की जीरोथ वैल्यू से, तभी तो हमें पता चलेगा उसमें से दोनों में से छोटा कौन है। न्यू इंटरवल की जीरोथ वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इसमें से जो छोटा आएगा वो स्टोर कर देंगे ये, और इस न्यू इंटरवल की जो आया सेकेंड वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम वाली ढूंढेंगे हम, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था कि न्यू इंटरवल्स की जो फर्स्ट है उससे क्या छोटी या बड़ी है इंटरवल्स की फर्स्ट वैल्यू, आई थिंक इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर ये होगा आई और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि हम ट्रेवर्स करते हुए चल रहे हैं ना, ट्रेवर्सल हम लोग बाहर वाले वेक्टर पे चला रहा हूँ, वैल्यू अंदर वाले देख रहे ना। तो क्या वो अब ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर आया मैंने पेन लिया। अच्छा तो हुआ क्या है, अभी हमने चेक किया कि ये वाली जो वैल्यू है क्या वो इस वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, अगर ये वाली वैल्यू मिनिमम है इस वाली से तो वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर, अगर ऐसा केस नहीं है जो कि हमारे केस में है तो वन वाली वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी ठीक है। फिर यहाँ मैक्स वाले में क्या हो रहा है, अब चेक कर रहे हैं ये वाली वैल्यू क्या ये वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, इनमें से मैक्सिमम कौन है, अगर 3 मैक्सिमम होती तो 3 यहाँ स्टोर हो जाती, लेकिन हमारे केस में 5 मैक्सिमम है तो 5 यहाँ स्टोर होगी, तो ये
न्यू इंटरवल में आ गया, तो ये न्यू इंटरवल को बस हमें अपने रेस में डाल देना है, रेस क्योंकि वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो और अगर आपको ऊपर वाली कंडीशन जो ओवरलैपिंग वाली नहीं है वो भी नहीं समझ में, तो फिर से वो बता दे रहा हूँ मैं, वाइल ये जो हमारी थर्ड वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या इस वाली वैल्यू से छोटी है, जो कि नहीं है केस, जो कि नहीं है केस, तो इसका मतलब यहाँ ओवरलैपिंग है। अगर इससे छोटी होती है तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, तो उस केस में ये वाला ब्लॉक रन करता, लेकिन हमारे केस में पहले हम ये ब्लॉक नहीं रन करेगा, हमारे केस में ये वाला ब्लॉक रन करेगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती तो वो ऊपर वाला करता, तो ये हुआ। देन फिर आएंगे अपन और एक फाइनल चेक करते हैं, आई इज लेस देन एन के लिए, और फिर हम, आपको पता नहीं है हाउ मच आई एम गेटिंग एंग्री बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक, बिकॉज आई नो दिस विल थ्रो अ कॉपीराइट फॉर नो रीजन इन दिस वीडियो, बट व्हाट यू कैन डू। सो रेस डॉट पुश बैक, रेस्ट डॉट पुश बैक न्यू इंटरवल्स, दैट्स व्हाई मेरी वीडियोस रेगुलरली नहीं आती, बिकॉज देयर इज सो मच डिस्ट्रैक्शन आसपास से कि आई कांट फंक्शन इन दैट सी। सो रेस्ट डॉट इंटरवल, मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इंटरवल्स पुश करने हैं ना, इंटरवल्स की वैल्यूज पुश करनी है, और ये क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज नो ओवरलैपिंग ऑफ इंटरवल आफ्टर न्यू इंटरवल बीइंग मर्ज्ड। हम लोग देख लेंगे यहाँ जो अगर मर्ज हो चुकी है इंटरवल्स, उसके बाद कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो फाइनल अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो सिर्फ पुश कर दो, तो इसलिए कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर भी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट तो करते रहेंगे, क्योंकि हमें ट्रेवर्स करने तो हर बार आई की वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी हमें, तो ये हो गया, ये तीन चीज हो गई, बस फाइनली हमें रेस को रिटर्न कर देना, तो रिटर्न रेस कर देना। अब जरा रन करें, मैं तेजी से रन करूंगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू इंटरवल नहीं है यार, तो इंटरवल्स होगा भी नहीं, न्यू इंटरवल होगा और यहाँ पर भी न्यू इंटरवल होगा, टाइपो एरर है, मेक श्योर आपके साथ ये मिस्टेक ना हो, दिस इज वेरी सिली मिस्टेक, सो देयर इज दैट। अब क्या हुआ, कौन सा एरर, केस हमारे नहीं चल रहे हैं, क्यों, लेट्स चेक, लेट्स डू अ फाइनल चेक। अगर मैं बता रहा हूँ ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है, आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्यूरियस। सो आई इज लेस देन एन, देन न्यू इंटरवल के जीरो से कर रहे हैं अपन, हम लोग पुश कर रहे हैं इंटरवल्स का आई, सही है, आई प्लस प्लस, न्यू इंटरवल इज ग्रेटर देन दिस, देन न्यू इंटरवल इज इक्वल्स टू मिन ऑफ, ओके लेट्स गो थ्रू इट, एंड लेस देन इक्वल टू इंटरवल्स आई जीरो, सही है, न्यू इंटरवल जीरो मिन, क्या प्रॉब्लम आई है क्या, लेट्स से आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन एन एंड एंड इंटरवल्स, इंटरवल्स आई एंड लेस देन न्यू इंटरवल, लेस देन न्यू इंटरवल जीरो, सही है ये कंडीशन, तो रेस्ट डॉट पुश न्यू इंटरवल आई, पुश बैक आई प्लस प्लस, देन व्हाइल आई लेस लेस, व्हाइल आई इज लेस देन एन एंड न्यू इंटरवल इज ग्रेटर देन इंटरवल्स आई जीरो, मिन और मैक्स में कुछ इशू, न्यू इंटरवल मिन, न्यू इंटरवल जीरो एंड इंटरवल्स के आई और जीरो से होगा, व्हाइल मैक्स न्यू इंटरवल आई एंड इंटरवल्स के आई और वन से होगा, आई प्लस प्लस रेस्ट, अच्छा यहाँ पुश बैक नहीं किया मैंने, वही तो इशू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू पुश ही नहीं कर रहा हूँ ना मैं, जो यहाँ से आ रही है, I'm furious। यहाँ पर न्यू इंटरवल पुश करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो तो कहीं पुश ही नहीं किया ना हमने, हम लोग ने चेक तो कर लिया नीचे, लेकिन ये यहाँ से जो वैल्यू आनी है वो कहीं तो पुश करो आप, मैंने पुश ही नहीं किया यहाँ पर, तो वो इशू था, तो न्यू इंटर सही लिख रहा,
इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पुश करेंगे रेस्ट में इंटरवल, आई थिंक अब रन कर जाएगा ढंग से। यस, सो दिस इज हाउ यू राइट दिस कोड। बाकी इसके बारे में अगर पढ़ना है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके लिंक नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो। इसका इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वन, दूसरे वीडियो में, होपफुली तब कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। सो बाय, पीस, बाय बाय।